नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ कशिश पांडे। तारक मेहता का उल्टा चश्मा ने पॉपुलैरिटी के कई रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। अप्रैल 25, 2023 में होने वाले इंडियन टेली अवार्ड्स में भी सोनी सब टीवी के शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा बेस्ट सिटकॉम कॉमेडी शो के लिए नॉमिनेट किया गया है। इस शो के साथ और 3 शोज भी इस अवार्ड शो में नॉमिनेट किए गए हैं। इंडियन टेली अवार्ड्स 2023 में तारक मेहता के साथ वागले की दुनिया, भाभी जी घर पर है और मैडम सर जैसे शोज भी बेस्ट सिटकॉम कॉमेडी कैटेगरी में नॉमिनेट किए गए हैं। ये चारों शोज पिछले कई सालों से दर्शकों का मनोरंजन करते हुए आए हैं और इन चारों की कहानी बिल्कुल ही अलग है एक दूसरे से। वहीं तारक मेहता, मैडम सर और वागले की दुनिया सोनी सब टीवी पर ऑन एयर होते हैं, जबकि भाभी जी घर पर है एंड टीवी पर ऑन एयर होते हैं। वहीं दिलीप जोशी सीरियल तारक मेहता में जेठालाल का किरदार निभाते हैं। पिछले 4 सालों से इस शो के फैंस दया बेन और इंतिका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन दया बेन के बिना भी शो के कलाकार अच्छी रेटिंग के साथ अपने सीरियल को आगे बढ़ाने में कामयाब हो रहे हैं। असित मोदी इस शो के प्रोड्यूसर हैं। बागले की दुनिया में सुमित राघवन प्रमुख भूमिका में नजर आ रहे हैं और सारा भाई मेकर्स जेडी मजीठिया और अतीश कपाड़िया ने ये शो प्रोड्यूस किया है। गुलकी जोशी के मैडम सर को जय प्रोडक्शन ने प्रोड्यूस किया है तो संजय एवं बिनेफा कोहली भाभी जी घर को प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब इन चारों शोज में कौन से शो को ट्रॉफी मिलती है ये देखना हो बहुत ही दिलचस्प होगा। और जैसे हमारे पास इसकी न्यूज आएगी कि कौन सा शो बेस्ट नंबर 1 आया है, हम आप तक जरूर अपडेट देंगे। और इसी तरह के एंटरटेनमेंट जगत की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया न्यूज के साथ।